और लीनियर एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करती है, एंगुलर एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगी। सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को समझने के लिए आप टू गो लिटिल बिट इनटू द डिटेल्स कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं मेरे पास ऐसे 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 इमेजिन करो मेरे पास एक रॉड है जिसका एक एंड फिक्स्ड है ये रॉड का फिक्स्ड एंड है से ओ और मैं इस पे तीन फोर्सेस लगाता हूँ ये एंड फिक्स्ड है और ये रॉड ऐसे मूव कर सकती है रोटेट कर सकती है इस पॉइंट के अबाउट। F2 फोर्स के कारण ये रोटेट करेगी या नहीं करेगी? इफ आई एग्जर्ट अ फोर्स F2 विल इट रोटेट और नॉट? नो 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 सर नो। F1 के कारण? यस सर। F1 के कारण करेगी। अच्छा इस एंगल को मार्क कर लेते हैं हम थीटा। तो F3 के दो कंपोनेंट्स हो गए F3 cos थीटा जिस पॉइंट पे फोर्स लगा उसका पोजीशन वेक्टर आर तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट घुमाता है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू आर Because F2 जो है वो R के पैरेलल है इसके कारण ये नहीं घूम सकती। F3 के दो कंपोनेंट्स है cos थीटा जो F3 cos थीटा ये R के पैरेलल है इसके कारण नहीं घूमेगी F3 sin थीटा के कारण घूमेगी। और सिमिलरली F1 को अगर हम लेंगे तो F1 के भी दो F1 है ही परपेंडिकुलर अगर मैं इधर भी लेता एक और फोर्स F4 इसके भी दो कंपोनेंट्स बनते हैं किस कंपोनेंट के कारण घूमती लॉट कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू R। So, टॉर्क को डिफाइन कर देते हैं कि टॉर्क इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बॉडी मूव करेगी या नहीं ये सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा जो आर के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट है। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स हम कहते हैं कि टॉर्क इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है कि मैथमेटिकली टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ You can write it as RF sin theta and sin theta is F perpendicular. अब जरूरी नहीं होता कि हमेशा टॉर्क एक्ट करे तो बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो। जरूरी नहीं है कि टॉर्क एक्ट करे तो बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो और टॉर्क की डायरेक्शन भी होती है। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या होगी? अगर मैं आपको ऐसे बोलूं से मेरे पास एक मास एम इधर पड़ा और इसका पोजीशन वेक्टर है आर। पोजीशन वेक्टर क्या होता था? वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू दैट पॉइंट। इसका पोजीशन वेक्टर आर है और मैंने इस पे एक फोर्स लगाई है एफ इधर आर और एफ में एंगल है थीटा इसके दो कंपोनेंट तो हम कहेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा या आर क्रॉस एफ। अब आर एफ साइन थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता था R sin theta into F. फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है इसको नीचे की तरफ। फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन
मैं अगर ओरिजिन के अबाउट टॉक निकाल रहा हूं तो ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, इन ट्रायंगल ओएबी साइन थीटा कितना होगा? इन ट्रायंगल ओएबी साइन थीटा इज क्या बताया था? ओ ए बाय ए बी होएगा ना सर? ओ ए बाय ए बी, ए बी कितने देखो, ए बी, ए बी नहीं ओ बी, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मतलब ओ ए बाय आर, तो आर साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? ओ ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा, and r sin theta is this perpendicular distance. तो टॉप निकालने के दो मेथड रहेंगे, या तो r multiplied by force का component which is perpendicular to r, or you can say that it's r perpendicular into f. मतलब r perpendicular is the perpendicular distance between, इसको हम बोलते हैं line of action of force. Perpendicular distance between axis of rotation, O को हम axis of rotation मान रहे हैं, ये line of action हो गया. तो यहाँ तो आप R perpendicular into F लिख दो, यहाँ आप लिख दो R into F perpendicular. So दोनों में मैं torque को हम define करते हैं. So you can first write definition लिखो पहले इसकी. This is not required. Torque is defined as the moment of force That is, torque is defined as moment of force, that is the product of that is the vector product of R and F. That is vector product of R and F. Diagram बना लो ये फिर इससे लिख लेंगे. That is vector product of R and F. You draw this diagram फिर इसके accordingly लिखते हैं. We can write diagram बन गया. Yes sir. So you can write as shown in the figure. As shown in the figure, if mass m is placed, at a point having position vector r. If mass m is placed at a point having position vector r and a force f is applied on the mass such that
such that R and F makes an angle theta. Is that R and F makes an angle theta. Then torque is given by tau is equals to R cross F. Tau is a symbol of the Now it's not Z, it's come as a draw the pen. It's the answer, so tau. So tau is equals to R cross F. Magnitude of torque is scalar quantity होगी वेक्टर टॉक स्केलर है वेक्टर आर क्रॉस एफ वेक्टर है सर मगर आपसे पूछो इसकी डायरेक्शन क्या है ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें टॉक की डायरेक्शन क्या है तो राइट हैंड की फिंगर्स आर पे रखो आर है ओ से बी तक तो राइट हैंड की फिंगर्स इस डायरेक्शन में और एफ की तरफ टर्न R cross F is perpendicular outwards. R पे हाथ रख के F की तरफ टर्न करना है. So R cross F is perpendicular outwards. Or you can also write tau is equals to R perpendicular is perpendicular distance between R perpendicular distance between line of action of force and the point about which torque is to be calculated Next paragraph, मेरे को torque is a vector quantity. And its direction is given by. Right hand curl rule. That is, we place the fingers of right hand. We place the fingers of right hand in the direction of R and curl them towards. F. Then thumb gives us and curl them towards F.
the direction of R cross F. It is always perpendicular to both R as well as F. It is always perpendicular to both R as well as F. It is always perpendicular to both R as well as F. Units kya honge R cross F ke? R ke units? Meter. Force ke? Newton. Newton meter. So you can write units of torque. In SI, the units of torque are Newton meter. In SI, the units of torque are Newton meter. And in CGS, the units are time centimeter. आपने वर्क में पढ़ा था कि न्यूटन मीटर को जूल्स लिखते थे, पर इसमें कभी हम जूल्स में नहीं लिखेंगे. यू कैन नॉट से मतलब ऑल द वन न्यूटन मीटर इज वन जूल, पर टॉर्क के यूनिट हमेशा न्यूटन मीटर ही मेंशन करते हैं हम. जैसे एनर्जी से डिफरेंट टर्म है, वो एनर्जी के यूनिट है. तो सीजीएस में क्या था? टाइम सेंटीमीटर. टाइम सेंटीमीटर. अगर आर और एफ पैरेलल है तो टॉर्क कितनी होगी? कोलिनियर कह लो. कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते थे जिनमें एंगल जीरो होता? वो होते थे ना थीटा, यहाँ तो जीरो या 180. साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है. तो टॉर्क इज either RF sine 0 or RF sine 180. और दोनों केसेस में टॉर्क कम्स आउट टू बी 0. R and F are perpendicular, theta 90, in that case टॉर्क is equals to सिर्फ आर इन टू एफ. इन कोऑर्डिनेट फॉर्म आर को हम लिख सकते हैं इट्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. F can be written as Fxy plus Fyj plus Fzk. तो टॉप क्या हो जाएगी फिर? मैट्रिक्स. मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म्स मींस ijk Fx Fy Fz. क्या आएगा बोलो? आई कंपोनेंट कितना होगा? क्रॉस सब्ट्रैक्शन वाई इनटू एफ जेड माइनस जेड इनटू एफ वाई. नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव जे माइनस नेगेटिव माइनस जे. माइनस जे इज एक्स इनटू एफ जेड माइनस एफ एक्स इनटू जेड. थर्ड पे पॉजिटिव प्लस के xfy minus yfx. So there is a torque in coordinate form. सर थोड़ा बोर्ड नीचे कर दो. और
next to right. Relation between torque and angular acceleration. Relation between torque and angular acceleration. Relation between torque and angular acceleration. Force और linear acceleration में तो है physical और m में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Force की जगह torque, mass की जगह moment of inertia, moment of inertia और a की जगह alpha आ जाएगा. तो हमने basically proof करना है कि tau is equals to i alpha. Tau is equal to i alpha proof करने के लिए हम एक rigid body ले लेते हैं. Just rotating about a fixed axis. We have a body here which is rotating about a fixed axis, arbitrary shape. And its angular acceleration alpha. हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन ट्रैक किया था, याद है कैसे किया था? हमने कहा था कि रिजिड बॉडी को हम डिवाइड कर लेंगे लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स, m1, m2, mn. तो जब रिजिड बॉडी रोटेट करती है, सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम थी या एंगुलर वेलोसिटी सेम थी? एंगुलर वेलोसिटी सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है. अर्थ पे कोई भी रह रहा है किसी भी कंट्री में, ओमेगा सबके लिए सेम है, पर लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंटायर एक्सिस ऑफ रोटेशन. की वीज करो आर ओमेगा, आर सबके लिए अलग अलग है, बिकॉज जैसे हम अर्थ को ड्रॉ करूं, अगर हम अर्थ का केस लें, सर इसकी रोटेशन को देखें तो सारे पार्ट्स के लिए ओमेगा सेम है. ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे कोई है तो वो इस सर्कल में मूव कर रहा है, जो इधर है वो इस सर्कल में मूव कर रहा है. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ सबका अलग अलग है, बट ओमेगा सेम है. तो लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट आती है और एंगुलर वेलोसिटी सेम आती है. सिमिलरली अगर हम रिजिड बॉडी रोटेशन लेंगे, रिजिड बॉडी रोटेशन में हमारे पास अल्फा सबके लिए सेम होगा, पर लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग आएगी. तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ मासेस में डिवाइड करता हूं, तो यहां पे एक मास m1 है एट अ डिस्टेंस r1, ऐसे ही मास m2 एट अ डिस्टेंस r2, एंड मास mn एट अ डिस्टेंस ऑफ rn. अब अगर इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इसकी लीनियर एक्सेलरेशन कितनी होगी? आर वन अल्फा, यही रिलेशन था, ए इज ग्रो आर अल्फा. सेकेंड मास की लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगी आर टू अल्फा, एंड सो ऑन. सबकी अगर मैं आपसे पूछू टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन एम वन, R cross F1. F1 is M1 into A1, and A1 is R1 alpha. So torque acting on first body is M1 R1 square alpha. Similarly, second body पर torque कितना act करेगा? Third body पे M3 R3 square alpha, and so on. तो टोटल टॉर्क ऑन द बॉडीज दिस कम्स आउट टू बी एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा प्लस m n r n square. ये टर्म कौन सी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो हमने यही प्रूव करना था, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा. समझ में आ रहा है कैसे ये?
कि हमने पहले बॉडी को डिवाइड कर लिया एन पार्ट्स में, मासेस m1 m2 m3 अप टू mn एट अ डिस्टेंस r1 r2 अप टू rn। हमने एक पार्ट पर टॉर्क निकाली, सब पे सिमिलरली करके फॉर्मूला लिखा, टोटल टॉर्क सारी टॉर्क को ऐड कर दिया, तो दैट विल गिव यू द टोटल टॉर्क व्हिच एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ i अल्फा के इक्वल आ गई। क्लियर है? मतलब ऐसी डेरिवेशंस कभी आती नहीं है एग्जाम में, हमें अगेन रिजल्ट ही चाहिए, बट एक पता होना चाहिए कि टॉर्क को i अल्फा क्या नहीं। तो मैं सिमिलरली भी लिख सकता था कि एनालॉगस लिख के कि फोर्स की जगह टॉर्क, m की जगह i, a की जगह अल्फा, टॉर्क को i अल्फा। सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, फिर इसको लिखते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर दो, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना ऊपर, बिकॉज स्कूल में आ सकते हैं, थोड़ी सी स्टोरी लिखेंगे ऊपर। Consider the rigid body. Consider the rigid body rotating about a fixed axis. Rotating about a fixed axis with uniform angular acceleration. With uniform angular acceleration. Uniform angular acceleration alpha in rigid body rotation. Rigid body rotation angular acceleration. In rigid body rotation, angular acceleration of all the parts is same. Whereas linear acceleration is different. Whereas linear acceleration is different. Linear acceleration is different. We divide the body into n parts. We divide the body into n parts having mass m1, m2 up to mn at a distance R1, R2 up to Rn at a distance R1, R2 up to Rn at a distance R1, R2 up to Rn from the axis of rotation at a distance R1, R2 up to Rn from the axis of rotation. At a distance R1, R2 up to Rn from axis of rotation.
If alpha is the angular acceleration, the linear acceleration of n parts is. If alpha is the angular acceleration, linear acceleration of n parts is. A1 is equal to R1 alpha, A2 is equal to R2 alpha, and so on. A1 is equal to R1 alpha, A2 is equal to R2 alpha, and so on. The torque acting on mass M1. The torque acting on mass M1, if its angular acceleration is alpha, is given by. Torque acting on M1, if its angular acceleration is alpha, is given by. You can note it down. इसको नोट कर लो, इसमें कुछ नहीं समझ आता तो पूछ लो। नोट कर दो फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना।
50, आई इज इक्वल टू 10 एंगुलर एक्सेलरेशन बतानी है। क्या आंसर होगा? नहीं होएगा सर। 5 मीटर आई इज 10 kg m2। अल्फा बताना। प्रैक्टिकली मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसे एक एग्जांपल दे। एक डोर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 10। आर और एफ में एंगल कितना बन रहा है इस केस में? मेरे स्पीकर बंद है, सुना नहीं आंसर है किसी ने दिया होगा। 90 90। तो टॉक कितनी हो गई? 50 हो गई, बिकॉज आर एफ साइड 90, आर एफ की वैल्यू 5 है, 10 है। 50 न्यूटन मीटर की टॉक आ गई, आई की वैल्यू 10 है। अल्फा कितना हो जाएगा? 5 5 5। ये आंसर हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू 5। अब ये वाला क्वेश्चन लग रहा है जिसमें मैंने डायग्राम नहीं दिया था, इस डायग्राम के हिसाब से देखो। अगर आपके पास दो है और आप उसको ऐसे ऊपर से खींचते हो, ये घूमता है? अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये एक्सेलरेट करेगा? नहीं, नो सर। आपके में डोर है, आपने उसको ऐसे ऊपर खींचना शुरू किया तो विल इट टर्न? नहीं घूमेगा। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन बताओ कौन सी आ रही है इधर? राइट हैंड की फिंगर्स आर की डायरेक्शन में और ये एफ। आप ऐसे रख के तो एफ की तरफ टर्न नहीं कर सकते, हाथ उल्टा तो घूमेगा नहीं, ऐसे रखना पड़ेगा आर क्रॉस एफ। तो जो टॉक की डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है आउटवर्ड्स। मैंने एक लाइन लिखी थी जिस पे आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया, टाउ इज नॉट द नेट टॉक, इट्स टॉक अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मेरे पास मान लो ये एक्सिस है और ये टॉक है और एक ये टॉक है, सही है, टाउ वन ये टाउ। टाउ वन का कंपोनेंट अलोंग एक्सिस कितना होगा? ये कितना होगा? टाउ वन कॉस थीटा या साइन थीटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। ये अगर टाउ वन है टॉक तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये कितना होगा? जिस साइड एंगल हो दैट इज कॉस थीटा। मेरे स्पीकर बार बार बंद हो रहे हैं, मेरे को लगता है आप आंसर देते हो, सुनता नहीं मेरे को। अब बताओ टाउ वन का कंपोनेंट अलोंग एक्सिस टाउ वन कॉस थीटा। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं टाउ टू का कंपोनेंट अलोंग एक्सिस
ये एंगल 90 है तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा cos 90 cos 90 जीरो। यहां पे देखो एक्सिस ये था और टॉक इसके परपेंडिकुलर आ रही थी, ये एक्सिस और टॉक परपेंडिकुलर आ रही है तो इसका कोई कंपोनेंट होगा लॉन्ग एक्सिस नो तो इसके कारण ये टॉक तो लग रही है पर क्योंकि टॉक लॉन्ग एक्सिस नहीं लग रही इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो ये आंसर भी हो सकता है कि टॉक तो लग रही है पर लगी ऐसी डायरेक्शन में कि वो बॉडी को घुमा नहीं सकती because it has no component along axis of rotation. अब इसके अलावा अगर टॉवन किसी ऐसे एंगल पे लग रहा होता से टॉवन cos थीटा उसका एक कंपोनेंट आ रहा है, टॉक तो आ रही है 50 पर उसका कंपोनेंट जो है वो 40 है along axis. तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन 50 से निकालनी है 40 से निकालनी है अगर टॉवन cos थीटा 40 है 30 होता तो हम 30 से निकालते, 20 होता तो 20 से निकालते, तो सारे आंसर ही हो सकते हैं। अगर टॉवर cos थीटा की वैल्यू 20 होती टॉक तो 50 है तो टॉक cos थीटा 20 है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 2 आनी थी। तो आपको जब ये फॉर्मूला लगाना है इसको मतलब भूलना चाहिए इसलिए ऐसे याद रखना हमेशा बुक में नहीं दिया होता है ऐसे कि आपको याद रहे कि टॉक का सिर्फ वो कंपोनेंट लेना है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा है, अगर कोई कंपोनेंट नहीं है तो हमें टॉक लेनी नहीं है कि टॉक लग तो लिया पर वो बॉडी को घुमा नहीं सकती। बेसिकली फोर्स में भी ऐसे होता है, जरूरी है सिर्फ इसमें जैसे मान लो मेरे पास एक से साइकिल है जो या कोई भी व्हीकल है प्लेटफॉर्म है इसको मैं कहूँ कि मैंने इस पर फोर्स इसका मास है मान लो 10 kg मैंने इस पर फोर्स लगाई 20 N मैं बोलूँ इसकी एक्सेलरेशन कितनी है तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है मैं फोर्स लगा के देता हूँ। मेरे पास अगर साइकिल और मैं ऐसे ऊपर से 20 N फोर्स लगाता हूँ तो ये मूव नहीं करेगा, जिधर बॉडी को जाना है उधर ही फोर्स का कंपोनेंट देखना है ना। लीनियर मोशन में भी तो ऐसे ही था कि मेरे पास अगर एक बॉडी है इसकी एक्सेलरेशन इस पर डिपेंड करेगी कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाते हो। Because अगर इसका मास m है, acceleration is f cos theta by m, f sin theta का तो कोई रोल ही नहीं है, इसके आगे जाने में f sin theta का तो कोई रोल नहीं है। तो linear motion में भी ऐसे ही था, force दियो acceleration पूछो तो हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए कि force लगाई किस direction में है। Similarly इधर भी ऐसे ही है कि torque along axis देखना कि along axis कितनी लग गई है, सिर्फ torque से नहीं निकलेगा आंसर। समझ में आया कंसेप्ट कि आपको टॉक अलोंग एक्सिस देखनी है फिर फॉर्मूला लगाना है कि टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। नेक्स्ट राइट इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी लीनियर मोशन में हम इक्विलिब्रियम किसे कहते थे, बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स इज जीरो एंड रोटेशनल मोशन में हो जाएगा नेट टॉक जीरो। और टोटल इक्विलिब्रियम बताने की अगर हमें दिया तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इसका मतलब है कि फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो। अगर फोर्स जीरो है और टॉर्क जीरो नहीं है तो बॉडी की ट्रांसलेट करेगी या रोटेट करेगी, फोर्स जीरो है पर टॉर्क जीरो नहीं है रोटेट। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो, कोई एग्जांपल जहां पे बॉडी पे फोर्स जीरो है पर टॉर्क जीरो नहीं है और वो रोटेट की। सुबह से याद करना शुरू करो, सबसे पहले टॉर्क कहां लगाई थी, किस बॉडी को रोटेट किया था, सुबह कौन सी बॉडी को रोटेट किया सुबह से लेके अब तक, टोर को करा था सर, डोर को करा था तो डोर पे फोर्स लगाई थी तो नेट फोर्स जीरो थी या नॉन जीरो थी। मैं आपसे ऐसा एग्जांपल पूछ रहा हूं जिससे बिल्कुल क्लियरली पता चलता है कि फोर्स जीरो है टॉक लग रही है और बॉडी रोटेट करती है। टैप खोली है कभी, नॉर्मल सिलेंड्रिकल टॉप मतलब दो होती है, एक लीवर वाली होती है जिसमें सिंगल फोर्स लगानी पड़ती है
आजकल बिकॉज एक ऐसी भी आती है टैब जिसमें ऐसे लीवर लगा होता है, आप इसको राइट साइड या लेफ्ट साइड घुमा सकते हो, वो टैब खुलती है बंद होती है, और एक ट्रेडिशनल टैब होती है सिलेंड्रिकल जिसको आप ऐसे घुमाते हो। तो बेसिकली जब आप घुमाते हो फिंगर्स को देखो, फिंगर और थम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, अगर ये इधर लगाएगा तो थम ऑपोजिट लगाएगा, ऐसे घुमाते हैं, इसने फोर्स एफ इधर लगाई, इसने एफ इधर लगाई, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गई बिकॉज हमने टैप पे दो फोर्सेस लगाई उसको घुमाने के लिए, तो नेट फोर्स तो जीरो है पर टॉर्क जीरो नहीं था इसीलिए ये घूमी है। इसको हम कहते हैं बेसिकली कपलिंग फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विद लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। तो टॉर्क तो जीरो है पर फोर्स तो जीरो है पर टॉर्क जीरो नहीं है, बॉडी रोटेट करती है। बिकॉज अगर किसी बॉडी पे फोर्स जीरो ना हो, टॉर्क भी जीरो ना हो, तो क्या होगा? वो रोटेट भी करेगी और ट्रांसलेट भी करेगी, रोल नहीं, हमेशा रोलिंग नहीं होता। रोलिंग एक स्पेशल केस होता है जिसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होती हैं, हमेशा रोटेशन और ट्रांसलेशन मिला के रोलिंग नहीं बनते। मतलब अगर मेरे पास इस तरह की मोशन है कि मेरे पास एक पेन है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मतलब रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, इट्स नॉट रोलिंग। या अपने एक्सिस के अबाउट ही ऐसे घूमता है वापस आता है, फिर ऐसे घूमता है वापस आता है और ऐसे चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा रोलिंग ही हो। रोलिंग इज अ स्पेशल केस वेयर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बोथ टेक्स प्लेस। सो पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख लो, अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ, या पे दोनों ही लिख लो, बॉडी इज सेट टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ, बॉडी इज सेट टू बी in translational equilibrium if net force on the body is zero and body is said to be in rotational equilibrium and body is said to be in rotational equilibrium if net torque on the body is zero, if net torque on the body is zero, if net torque on the body is zero, next paragraph mein likho, a body is in equilibrium if both force as well as torque, net force as well as net torque, a body is in equilibrium if both net force as well as net torque acting on the body, net force as well as net torque acting on the body is zero. Net force as well as net torque acting on the body is zero. So next time करते हैं इसके आगे, torque को ही आगे करेंगे। Torque is very important concept. इसमें कुछ नहीं समझ आया ना first, मतलब जो अगली class होगी Monday, कल तो test है, Monday वाली class में कुछ ना समझ आए तो Tuesday को पूरा का पूरा lecture repeat कर सकता हूँ मैं, but Monday वाली class समझ में आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो अगले से 12-13 क्लासेस में कुछ समझ नहीं आएगा अगर मंडे वाली क्लास समझ नहीं आई तो। बिकॉज मेरे को उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिखाना है कि टॉक निकालते कैसे हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो एक एग्जांपल लेके करेंगे, वो एग्जांपल समझ आ गया तो आगे के 10 दिन आराम से हो जाएंगे। फिर टेस्ट कितने बजे होगा? कल टेस्ट एक तो सुबह के टाइम पे है, उस टाइम पे देना, उस टाइम पे दे देना 8:30, नहीं तो इस टाइम पे मेरे को ऐड ही करना है, व्हाट्सएप पे टेस्ट ऐड कर दूंगा, अगर आपको इस टाइम पे देना है तो इस टाइम पे कर दूंगा ऐड। कैसे? मैं आपको बता दूंगा सर, मैं मैसेज कर दूंगा। नहीं, वो कोई इशू नहीं है, अगर आपका जिसका प्रिपेयर हो जाए कल के दिन में से, यू कैन से 6 बजे तक देना है, तो आपका अगर 12 बजे प्रिपेयर हो जाएगा मैं 12 बजे आपको टेस्ट सेंड कर दूंगा, जब प्रिपेयर हो जाए उस टाइम सेंड कर दूंगा, 1 घंटे में आंसर सबमिट कर देना स्कैन करके। ओके सर।